हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और आज मैं कुछ अपना प्लांट शॉपिंग दिखाऊंगी और कि मैंने नर्सरी से क्या लिया। वैसे नर्सरी में बहुत कम चीज़ लेती हूँ। नर्सरी मेरे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जब मैं वॉक करने जाती हूँ तो वहाँ देखने चली जाती हूँ और प्लांट तो मैं बहुत कम लेती हूँ, बट पौधे देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जगह वैसे भी मेरे पास बहुत कम है। तो ये मेरा रूम से निकलते ही ये बालकनी एरिया है और देखिए ये येलो बेल, जिसे गौरी चौरी भी बोलते हैं और येलो टिकोमा भी बोलते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत, ये थर्ड टाइम ब्लूम हुआ है। और ये मेरा रूम से निकलते हुए बालकनी है, ये मेरा क्यूट सा प्लांट है। और ये चिली प्लांट एक बार दिखा दूँ, बहुत दिनों से मैंने ओवरव्यू नहीं दिखाया है। देखिए इसमें कितना सुंदर ये चिल्ली आया हुआ, सुंदर इसलिए क्योंकि देखिए ये जब ये रेड रेड कलर का हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत ये दिखता है, बिल्कुल लगता है कि चेरी लगा हुआ है इसमें। तो बहुत सारा इसमें ये देखिए मिर्ची हुई है इसमें। और ये जो है ये इसकी लंबा जो है लंबी वेराइटी है इसकी, लॉन्ग मिर्ची आती है इसमें। और इसमें बस थोड़े थोड़े कुछ प्लांट रखे हुए हैं इसमें, मैक्सिकन पिटूनिया वगैरह है। और ये करी पत्ता देखिए 6 इंच के पॉट में लग रहा है, ये पूरा ट्री की तरह हो गया है, बहुत घना हो गया है। और ऊपर कुछ मैंने इधर ये कोरोटन वगैरह रखे हुए हैं। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि मैंने नर्सरी से क्या क्या लिया। लेने के लिए तो कुछ नहीं जाती हूँ, बस प्लांट देखने के लिए। लेकिन कुछ प्लांट मेरे पास नहीं थे, जैसे कि ये जेट्रोफा। तो ये जेट्रोफा मेरे पास था, एक बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट था, लेकिन किसी ने मांगा था तो मैं उन्हें दे दिया था। वो बोल रही थी कि आप तो नर्सरी जाते रहते हो तो मुझे दे दीजिए, तो मैंने पिछले साल दे दिया था। और ये लिया मैंने ये जेट्रोफा प्लांट, तो ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया, 30 रुपये में, 30 रुपीस में। वैसे भी मैं ज़्यादा कॉस्टली प्लांट लेती नहीं हूँ, जो देखने में खूबसूरत हो और सस्ता हो वही प्लांट मैं खोजते चलती हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ। तो इसका पॉट टूटा हुआ था तो उन्होंने मुझे 30 रुपीस में दे दिया। वैसे इसकी प्राइस 30 रुपीस है। और ये अलमंडा लिया मैंने देखिए, और एक्चुअली मेरे साथ इसके साथ लोचा हो गया। ये अलमंडा मुझे नहीं चाहिए था, मुझे पर्पल वाला अलमंडा चाहिए था। तो ये बर्ड्स था, लेकिन जब ये ओपन हुआ तो ये ऑफ वाइट में है। तो ये अलमंडा मैं वापस कर दूंगी, मुझे पर्पल वाला चाहिए था। तो ये अलमंडा मैंने लिया। और इसकी प्राइस मैं बता दूं, ये 50 रुपीज़ का है ये अलमंडा। प्लांट अच्छा था, बर्ड्स बहुत सारे थे बट फ्लावर नहीं खिले हुए थे इसलिए मुझे पता नहीं चला। और एक मैंने ये लिया एक जोड़ा, रेड एक जोड़ा। तो ये एक जोड़ा मेरे पास नहीं था, मैंने कभी भी एक जोड़ा नहीं लिया। तो ये मुझे अच्छा लगा, अभी तो इसके फ्लावर 2-3 दिन हुए लिए हुए, तो फ्लावर इसके गिर गए हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छा प्लांट था तो मैंने ले लिया 50 रुपीज़ में ये एक जोड़ा। तो ये एक जोड़ा लिया मैंने रेड कलर का। और एक ये मैंने लिया ये पर्पल, ये पर्पल कलर का स्वीट पोटैटो वाइन। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग प्लांट में, जो हैंगिंग प्लांट में ये जब नीचे की ओर हैंग करता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें बहुत सारे कलर थे, एक डार्क ग्रीन में था और एक वेरीगेटेड वाला भी था, और ये मुझे पर्पल वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये मैंने 30 रुपीज़ में लिया ये स्वीट पोटैटो वाइन। तो ये मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी, स्पेशली ये अच्छा हैंगिंग बास्केट में ही लगता है, ये नीचे की ओर हैंग करता है। तो बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत खूबसूरत इसके पर्पल लीफ लगता है। एक्चुअली मेरी एक यूट्यूबर नेचर गार्डनिंग करके है,
उन्होंने मुझसे बोला था कि मैम आपने ये आपने क्या क्या नर्सरी से परचेज किया तो शेयर कीजिएगा, तो फिर मेरा मूड बन गया। तो मैं चलो मैं सिस को बता दूं कि मैंने क्या क्या लिया। तो ये मैंने लिया, ये पर्पल वाला, ये स्वीट पोटैटो वाइन 30 रुपीज में, और ये बर्मी कंपोस्ट लिया। वैसे मैं फर्टिलाइजर बहुत कम ही खरीदती हूँ, बहुत दिनों बाद मैंने काउडंग गोबर खाद लिया था, और ये बर्मी कंपोस्ट लिया। ये 100 रुपीज़ का 2 kg का है, ये केचुए के खाद का बना हुआ फर्टिलाइजर है और बहुत ही अच्छा होता है। तो दिखा दूँ मैं, देखिए ये ऐसे भूरी ऐसा होता है, गीला थोड़ा। तो ये केचुए के खाद का बना हुआ ये फ्लावर प्लांट के लिए और फ्रूट सभी के लिए अच्छा होता है ये वर्मी कंपोस्ट। तो ये 2 kg का मुझे मिला, ये मुझे मिला 100 रुपीज में। और ये 2 प्लास्टिक के पॉट लिए जो 30 रुपीज में मिले, ये 10 इंच का पॉट है, बहुत बड़ा पॉट है, तो ये 30 रुपीज में। वैसे मैं प्लास्टिक का पॉट बहुत कम यूज करती हूँ, बट मुझे नीचे बालकोनी में रखना है, और अगर आप छत पर रखते हैं तो मिट्टी के पॉट ही यूज करें। मेरे देखिए जहाँ तक मेरे जितने भी पॉट हैं ये सारे मेरे मिट्टी के ही हैं। तो धूप में अगर रखें तो मैं हमेशा मिट्टी के पॉट ही आपको सजेस्ट करूंगी कि मिट्टी के पॉट बहुत अच्छे होते हैं। हाँ वो टूट जाते हैं कभी कभी तो दुख होता है, बट मिट्टी के पॉट लें क्योंकि गर्म और मिट्टी ठंडी होती है, तो प्लास्टिक के पॉट गर्म हो जाते हैं और मिट्टी ठंडे होने के कारण प्लांट पर गलत असर पड़ता है। और देखिए मेरे यहाँ ये कौवा कितना बोल रहा है, आजकल कौवे दिखने लगे हैं, पहले तो दिखते भी नहीं थे दिल्ली में, तो देखिए अब ये कौवे भी दिखने लग गए हैं। और लिया मैंने ये बोन मील लिया, तो ये भी मुझे शायद 50 रुपीज में पैकेट था, तो 1 kg का शायद 50 रुपीज है, मुझे उतना ध्यान याद नहीं। तो बोन मील बहुत अच्छी फर्टिलाइजर है, जो रिलीज फर्टिलाइजर है, और हेबिस्कस रोज के लिए तो बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है, तो ये बोन मील लिया मैंने। तो ये मेरा शॉपिंग था। वैसे प्लांट तो मैं बहुत कम ही लेती हूँ, बट ये दिख गया मुझे, बहुत दिनों से मुझे लेने का ये प्लांट मन था तो ले लिया। तो होप आपको ये मेरा शॉपिंग अच्छा लगा होगा, और बताइएगा कि प्राइस कैसा रहा और कैसा कॉस्टली है कि सस्ता है, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।